हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके। ये एक ऑफिशियल जॉब रहने वाला है जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, एनडीए 2 की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसमें पर ईयर ना 2 वैकेंसी निकलती है, तो इस साल के लिए ये इसकी सेकेंड नंबर की वैकेंसी है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, टोटल पोस्ट है 404, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है विंग वाइज है, पोस्ट नेम क्या क्या है, मेल फीमेल के लिए क्या सीट है, टोटल सीट सारा कुछ हम लोग बताएंगे। लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए ओवरऑल तो आपका 404 यानी 404 सीट है, जिसको दो पार्ट में यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। पहला है आपका एनडीए फॉर मेल एंड फीमेल, सेकेंड है नेवल एकेडमी के लिए। तो पहले हम लोग एनडीए वाला समझ लेते हैं। देखिए एनडीए में भी आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एयरफोर्स में भी तीन तरह के पोस्ट है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनडीए के लिए पहला आपका आर्मी का है विंग, जो कि आपका 208 टोटल सीट रहेगा। मेल के लिए 198, फीमेल के लिए 10 सीट रहेगा। नेवी के लिए 42 है, मेल के लिए 36 एंड उसमें से फीमेल्स के लिए 6 सीट रहेगा। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92, मेल का 90 है और फीमेल्स का 2 है। जीडी टेक्निकल का जो एयरफोर्स में है ना, 18 टोटल सीट है, मेल के लिए 16 और फीमेल्स के लिए 2 सीट रहेगा। फॉर जीडी नॉन टेक्निकल टोटल 10 सीट्स है, फॉर मेल इट्स 8 एंड फॉर फीमेल्स 2 सीट्स। इस पोस्ट के लिए आपका जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10+2 आपने पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, डजेंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप यहां पर एलिजिबल हो। अब आपका यहां पर सेकेंड थिंग जो है नेवल एकेडमी, इसके लिए 34 ओवरऑल सीट्स है, फॉर मेल इट्स 29 सीट एंड फॉर फीमेल्स 5 सीट। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि 10+2 यानी 12 तो पास होना ही चाहिए, लेकिन आपका फिजिक्स एंड मैथ एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो 12th में जिन्होंने फिजिक्स और मैथ लिया है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि अप्लाई की डेट क्या रहेगी। तो अप्लाई आपका 15th ऑफ मई से ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड लास्ट डेट आपका रहेगा 4 जून। 4 जून तक इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्टेड है। अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा, जनरल ओबीसी से 100 रुपीज, अदर जो भी है इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट्स 0 रुपीज आपसे चार्ज की जाएगी, ठीक है। अब बता दूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि आपका जो पेपर होगा 1 सितंबर 2024 यानी सितंबर के फर्स्ट डेट को ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो तैयारी की स्पीड को दुगनी स्पीड से आप अपना बूस्ट कर लीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर का सेट तो आप लगाइएगा ही, अभी हाल फिलहाल में भी एनडीए 1 का पेपर हुआ है, उसका भी क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर वगैरह भी करिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिन बच्चों का जन्म हुआ है 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच, मींस कि बॉर्न बिटवीन 2nd ऑफ जैन 2006 टू 1st ऑफ जैन 2009, सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। तो चलिए फिलहाल अब हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग सेलेक्शन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सिलेक्शन आपका 2 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले तो रिटेन एग्जाम जो कि 900 मार्क्स का होता है, इसको क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू होता है जो कि एसएसबी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। 5 डेज का इंटरव्यू होता है, इसको क्लियर कर लेते हो तब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आती है, ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट स्टेज को समझ लेते हैं कि व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है,
ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम के सेंटर होते हैं, एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। अब जो भी आपका नियर बाय सिटी होगा वहां पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा, दो पार्ट में होता है फ्रेंड्स, दो शिफ्ट रहता है। जैसे कि आप जाओगे एग्जाम देने, सेम डे मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पार्ट ए हो जाता है। पार्ट ए में आपका रहता है मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, समय आपका 2.5 घंटे का रहता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। फिर आपका फर्स्ट शिफ्ट होता है मैथ्स का, और सेकेंड आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट 150 क्वेश्चन फॉर 600 मार्क्स, इसके लिए भी समय आपको 2.5 घंटे का, निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, देखिए इंग्लिश के होते हैं 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, एंड जीके से 100 क्वेश्चन होते हैं 400 मार्क्स के लिए। ओवरऑल आपने समझ लिया ये 600 मार्क्स, 200 प्लस 400। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू होगी, बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसमें एक अच्छी चीज ये होती है ना फ्रेंड्स कि एक तो ये ऑफिशियल पोस्ट होता है, साथ ही साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही आपको सैलरी मिलने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 56,100 यानी 56,100 रुपीज से शुरुआत होती है, बाद में आपकी सैलरी बढ़ के 1,77,500 1,77,500 रुपए की सैलरी हो जाती है। तो ये मौका बहुत अच्छा है, अपने हाथ से इसको मिस ना होने दे, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई करें। बाकी तो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर की सेट लगाए, मॉडल पेपर बनाए, और आई होप कि इस पोस्ट की जो भी जानकारी आपको चाहिए थी सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।